वही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हुई एफआईआर के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी में भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। वही भिलाई के सामाजिक कार्यक्रम में वे पहुंचे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिनके खिलाफ मामले होंगे उनके खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज होगी। वही सामाजिक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव उपस्थित रहे। जो जिनके खिलाफ मसले होंगे उनके खिलाफ एफआईआर होगा, उसमें कोई साधारण आदमी या कोई बड़ा आदमी नहीं है। राज कानून का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। कानून की नजर में सब एक होते हैं। रही है विषय, इसका असर आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसके परिणाम पर भी पड़ेगा। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के मामले महादेव ऐप के संदर्भ में हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो जिनका जिनका नाम, जो जिनका जिनका विषय आया है, संदर्भ आया है, उन पर एफआईआर हुआ है। जांच होगी आगे और स्पष्ट होगा सब कुछ। ये तो हमारे समय का नहीं है, ये तो कांग्रेस के समय से जांच चल रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, कानूनी प्रक्रिया है, जांच का विषय है। जांच में अगर संचालकों के प्रथम दृष्टया जांच में उनका नाम आया है तो स्वाभाविक रूप से उनको जांच कार्रवाई का सामना करना चाहिए। अगर निर्दोष होंगे तो क्या डर है, और दोषी होंगे तो कानून अपना काम करेगी।